गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आप सबका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग आज टाइम निकाल के आज यहाँ पे आए। तो जैसे पिछला भी एक नोटिफिकेशन जो निकला था, उसमें भी जब नोटिफिकेशन निकला था तो मैंने सब आप सबको बुलाया था, और जनरल जो भी इलेक्शन के बारे में तैयारी थी वो आपको उससे रूबरू कराना था। तो जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो हाल ही में आया, तो उसके मद्देनज़र इलेक्शन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख ने फिर से नोटिफिकेशन, जो हमारा फिफ्थ LSDC कारगिल है उसका जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला है। तो उसका मैं थोड़ा पहले बताना चाहूँगा। जो नोटिफिकेशन 7 तारीख को हमारा शाम को निकला था, और नॉमिनेशंस आज से जो 9 सितंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं, और जो भी RO AR पिछले इलेक्शन में जिन्होंने एज RO AR काम किया वही कायम रहेंगे, और उनके हेडक्वार्टर भी सेम रहेंगे। तो ये पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो जैसे बताया कि 9 तारीख से नॉमिनेशन मतलब आज से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 सितंबर है, एंड डेट ऑफ स्क्रूटिनी जो होगा जितने नॉमिनेशन आएंगे उनका 18 सितंबर उसको फिक्स किया गया। जब स्क्रूटिनी के बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स बचते हैं तो उसमें आप सबको पता है कि विड्रॉल का भी टाइमिंग रहता है, तो वो हमने जो नोटिफिकेशन के हिसाब से फिक्स किया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 20 सितंबर, 20 सितंबर एक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। और जो पोल डे जो पिछले नोटिफिकेशन में जो 10 सितंबर था, इस बार 4 अक्टूबर ये पोल डे, जिस पीरियड में वोटर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन में आके वोट डाल सकते हैं। और काउंटिंग डे 8 अक्टूबर को फिक्स किया गया है, और ओवरऑल जितना भी प्रोसेस होगा उसको कायम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डेट फिक्स किया 11 अक्टूबर। तो ये जनरल एक मैंने शेड्यूल आपको बताया। तो 26 जो जितने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें RO AR आज से उन्होंने अपने अपने हेडक्वार्टर में फिर से काम उन्होंने शुरू किया, और वहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट किया है। टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 278 पोलिंग स्टेशन हैं, और उसका कैटेगराइजेशन भी हमने सारा प्रोसीजर एज अ जो भी पोलिंग स्टेशन होते हैं तो उनका वहाँ के वल्नरेबल वोटर्स क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, वोटिंग में क्या किस टाइप के वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, वो सारा देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडेड बाय SSP हम जॉइंटली रिव्यू करते हैं। तो हर एक पोलिंग स्टेशन का कैटेगराइजेशन भी किया कि सेंसिटिव कितने, हाइपर सेंसिटिव कितने, नॉर्मल कितने, तो वो भी मैं कई लोगों ने मुझे पूछा था कि इसके बारे में भी बताओ, तो वो मैं आज बताना चाहूँगा। तो 114 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हमने डिसिग्नेट किए, 99 सेंसिटिव एंड नॉर्मल 65 पोलिंग स्टेशन है। तो हर एक पोलिंग स्टेशन का अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाला है, तो उसका सारा तैयारी हमने पिछले उसमें भी किया था, और इस बार भी वो सेम ही रहेगा। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे पता है कि जैसे नोटिफिकेशन निकलता है तो वो इन इफेक्ट हो जाता है, तो 7 तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हुआ है, और कल आपने देखा होगा एक डिटेल ऑर्डर भी हमने उसमें इशू किया है। मोरलेस वो सेम ही है जो पहले वाला था, उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने उसमें ऐड किए जो हमें पिछले कैंपेनिंग और उसमें जो हमने देखे कि 1-2 पॉइंट छूट गए थे तो वो भी हमने उसमें डाले। तो मेरी सबसे आपके माध्यम से अपील सारे जितने भी कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज और आवाम से भी रहेगी कि, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से भी मेरी अपील है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप पालन करें, और जैसे हमें कुछ भी नॉलेज में आएगा, कंप्लेंट्स हमारे नॉलेज में आएगी तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई की भी गई। आपने देखा कि पिछले भी उसमें जितने भी कंप्लेंट्स आए थे उसमें हमने एक्शन लिया था, और इस बार भी हमारा यही रहेगा कि कंप्लेंट्स आएगा तो हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड भी हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में डेसिग्नेट किया है, उसमें मैजिस्ट्रेट भी है, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव है, और फाइनेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स अपने कैंपेनिंग करते मीटिंग्स करते तो उसमें एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उसको नोट करने के लिए वो ज्वाइंट टीम है। तो वो सारे टीम्स के थ्रू मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पे वायलेशन ना हो वो उसका डेली मॉनिटरिंग किया जाता है। और मेरा अपील यही है कि आप सब स्टेक होल्डर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप उसका पालन करिए। और एक इशू था जो कल से कुछ पार्टीज के माध्यम से आया गया कि जो इस बार वोटिंग कैसे होगा, तो जो LSDC इलेक्शंस में पहले कारगिल में बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था, बट आपको पता है कि 2020 में LSDC के इलेक्शन रूल्स में मॉडिफिकेशन हुआ है, और जो मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट्स हुई थी तो उसमें रूल 29B में ये लिखा है कि जो इलेक्शंस हो गए उसमें दोनों ले का भी और कारगिल का भी उसमें वोटिंग मशीन यूज़ होगा। तो वोटिंग मशीन का उन्होंने डेफिनेशन फिक्स किया है, उसमें एक बैलेट यूनिट होगा और कंट्रोल यूनिट होगा, तो दो
कोई भी ईवीएम होता है आप सबको पता है कि उसमें ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इलेक्शन में, M2 टाइप का मशीन है। फिर जो एक इशू उठा है कि वीवीपैट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी लोकल बॉडी हो या असेंबली हो, लोकसभा हो, हर एक जो भी इलेक्शन है वो कैसे करना है उसका अपना अपना रूल है। तो LSDC का अपना रूल है, आपको भी मैं कॉपी दूंगा। तो उसमें लिखा है कि जो LSDC में जो इलेक्शन किए जाते हैं उसमें वोटिंग मशीन जो यूज़ होता है उसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाएगा। तो वीवीपैट का कहीं मेंशन नहीं। और उसी के हिसाब से आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी प्रायर परमिशन लिया है, जो M2 टाइप के मशीन है, कोई भी इलेक्शन का मटेरियल हो यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं यूज़ करना है, जैसे म्यूनसिपाल्टी पे के अभी आएंगे इलेक्शन, तो वहीं पे भी यूज़ करना होगा, तो हमें इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो हमने प्रायर में M2 टाइप के मशीन को यूज़ करने के लिए परमिशन मिला है हमें, तो वही हम यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरा, उसके बारे में कुछ डाउट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं पब्लिक में कि ये मशीन्स में ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। बट आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेटिशंस कई बार गई थी, बट उसमें कोई मेरिट पाया नहीं गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी चैलेंज रखा था हर कोई भी पार्टीज़ को आके कि अगर आपको EVM में कुछ इश्यूज लगते तो वहाँ जाके अपना पॉइंट रखे, बट उसमें भी कुछ निकला नहीं। आप सबको पता है पिछले 2-3 सालों में ये काफ़ी इशू आया था। तो मेरा अपील सबसे है कि ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं मशीन M2 टाइप की मशीन, वो पूरी तरह से सेफ़ है, तो उसमें कोई इशू नहीं, ना वो एक्सटर्नली कोई वाईफाई, ब्लूटूथ या एक्सटर्नल डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, और अगर कोई अनऑथोराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए उसमें प्रोविजन है कि वो मशीन ही ऑफ हो जाता है। तो उसका कोई डाउट होना नहीं होना चाहिए किसी को कि ये EVM मशीन में कुछ बाहर से उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है, वो क्या जो हम भी कोई वोटर उसमें वोट डाल रहा है वो रिकॉर्ड जो होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन बाद में जाके हो सकता है। तो वो कोई जो पॉइंट्स आते रहते हैं वो मैंने समझा कि आपके माध्यम से क्लियर करूँ कि वैसा कोई उसमें कोई ट्रूथ नहीं है। बाकी हम ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बार कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। LSDC इलेक्शन में पहले नहीं हुआ था। और एक उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो M2 टाइप के मशीन है वो पहले भी यूज़ हुए, जो LSDC ले का इलेक्शन हुआ 2020 में हुआ था, वो अक्टूबर में शायद हुआ था, उसमें भी यही मशीन यूज़ हो रहे जो हुए थे, जो हमने कारगिल इलेक्शन में यूज़ कर रहे। प्लस जो तेमिसगाम का बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल हुआ था, उसमें भी यही मशीन यूज़ किए गए थे, M2 टाइप के मशीन। सिमिलर हम यही पे कारगिल में भी वही मशीन यूज़ करने जा रहे हैं। और जितने भी इसका एक प्रोसीजर होता है कि ये जब मशीन यूज़ करने के लिए पहले FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक होता है कि हर एक मशीन को चेक किया जाता है। ये प्रोसीजर जो काउंसिल के लिए हम मशीन यूज़ करने जा रहे हैं वो जुलाई में हुआ है। तो उस टाइम सबको, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सबको बुलाया गया था कि आप उसको देख सकते हैं कि ये मशीन में कुछ खराबी नहीं है, कुछ किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, वो पहले एक फर्स्ट लेवल चेक हुआ है। सेकंड जो रैंडमाइजेशन होता है उसमें EVM किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, किस पोलिंग स्टेशन में कौन सा मशीन जाएगा, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में होता है। तो आज हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी किया, उसमें INC, BJP, JKNC, आप सबके जो रिकगनाइज जिनको सिंबल रिजर्व है सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनके सामने हमने रैंडमाइज किया। उनको वो लिस्ट भी हमने दिए कि आज जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन में किस कॉन्स्टिट्यूंसी को कौन सा पोलिंग स्टेशन अलाट हुआ है। अब सेकंड रैंडमाइजेशन जो होगा उसमें पोलिंग स्टेशन उसमें फिक्स हो जाएगा कि कौन से पोलिंग स्टेशन के लिए कौन सा वोटिंग मशीन जाने वाला है। तो ये चीज़ जो भी EVM के रिलेटेड जो भी हम तैयारी करते हैं, तो टाइम टू टाइम कोई EVM का मूवमेंट करना है या स्टोरेज के टाइम वेयर हाउस को खोलना है हमें तैयारी के लिए, उस टाइम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उसमें मॉक पोल भी होता है। मॉक पोल आपने सुना होगा कि जब भी EVM तैयार होता है, जैसे अभी कैंडिडेट्स का फिक्स हो जाएंगे, मतलब विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज EVM तैयार किए जाएंगे, उसको मतलब सील लगाया जाएगा, बैलेट पेपर उसमें फिक्स किया जाता है, उस टाइम भी मॉक पोल होता है। मतलब 50 वोट डमी वोट डाले जाते हैं पार्टी वाइज, तो वो सबके सामने होता है, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट के सामने, और उनके उनके थ्रू ही हम वो वोट डलवाते हैं डमी वोट्स। तो बाद में वो चेक भी होता है कंट्रोल यूनिट को करके कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रोसीजर EVM जब प्रिपेयर करते हैं वोटिंग से पहले उस टाइम भी होता है, और जब पोलिंग डे होगा, जैसे हमारा 4 तारीख को पोलिंग है, तो 4 तारीख को सुबह सुबह जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स हो गए, वो कैंडिडेट्स
वो खुद भी हो सकते हैं, तो उनके सामने वो पोलिंग मॉक पोल फिर बार एक बार होगा, तो दो बार मॉक पोल भी होता है। तो उसमें ये जितने अगर कोई किसी को डाउट्स है कि वो मैच नहीं हो रहा, तो वो डाउट्स वहीं पे क्लियर किए जाते। तो ये पॉइंट्स आपके सामने मुझे रखना था। प्लस इस बार हम कुछ एरियाज में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑब्जर्वर्स भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 5 ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। प्लस हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पोलिंग स्टेशन डेसिग्नेट करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी और वो सारी चीज़ें देख के, कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वो पहली बार होने वाला जा रहा है, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं वोटिंग का, वो चेक करेंगे, उनका एक रिपोर्ट बाजाब्ता बनेगा और शाम को ऑब्जर्वर और इलेक्शन अथॉरिटी को सबमिट होगा। तो अगर कहीं से कंप्लेंट आती कैंडिडेट्स की कि यहाँ पे ये हो रहा था, कुछ गलत चीज़ हो रही, तो वो ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद रहेगा, ताकि ये चीज़ ना रहे कि कोई फेयर जो इलेक्शन को कंडक्ट होना चाहिए उसमें कुछ किसी को डाउट ना रहे। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। जो स्ट्रांग रूम है वो सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर होता है। जब भी हमारा ईवीएम का मूवमेंट होगा या फिर पोलिंग के बाद ईवीएम वापस आएगा स्ट्रांग रूम में, तब पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है कि वो उसके साथ अपना व्हीकल रख सकते हैं। आजकल आपने देखा कि लोकसभा असेंबली में वो अलाउड किया, तो वो भी इस बार हम भी अलाउड करेंगे। वो उसके साथ अपना गाड़ी भी रख सकते हैं उसके साथ, जब हमारा मूवमेंट होगा जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम जब स्टोर हो जाएगी, उसके बाद वो सीसीटीवी के सर्विलेंस में होगा, तो उसका हम एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे। तो स्ट्रांग रूम के बाहर एक जगह हम डिसिग्नेट करेंगे, वोटिंग के बाद काउंटिंग के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज वो दे पूरा उसमें सर्विलेंस अपना खुद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अनऑथराइज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लॉग बुक्स में एंट्री हो रही कि नहीं, कोई स्ट्रांग में जाके कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। जो कैंडिडेट्स को जेन्युइन कोई कभी कभी डाउट हो सकता है, बट हमने ये भी तैयारी रखा है कि वो भी हम फैसिलिटी अवेलेबल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना था। और वीडियोग्राफी का मैंने बताया कि वीडियोग्राफी भी कुछ पोलिंग स्टेशन में होगी, सीसीटीवी रहेंगे, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी को कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए कि फेयरनेस के बारे में। तो आप सबको जितने वोटर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को यही अपील है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इलेक्शन अथॉरिटी का कोशिश यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी से पूरा इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके। बाकी अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एसएसपी साहब भी अपना बताएंगे कि पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की गई जा रही है। पुलिस की तरफ से हमें CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज होती हैं उसकी काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं, जो हमने फर्दर हर इलाके में हमारे जो मेजर मेजर इलाके हैं, फॉर एग्जांपल जानस्कार जोन है, बटालिक जोन है, वाखा शरगोल जोन है, द्रास जोन है, करगिल के अलग अलग पार्ट्स में सांकू पानीखर जोन है, इसमें जो है वो कंपनीज ऑलरेडी सिचुएटेड हैं, क्योंकि पिछले प्लान के हिसाब से थी, तो वो ऑलरेडी अभी भी कंटिन्यूएशन में बैठी हैं। आपने देखा भी होगा फील्ड में कि उनकी प्रेजेंस 24/7 स्पेशली ऑन द हाईवेज और जो हमारी छोटी रोड्स हैं उन पे, लिंक रोड्स और गांव हैं जो वहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि जो है कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो, आपस में कोई लड़े ना, कैंपेनिंग जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से आपस कर रहे हैं, कहीं कोई फ्री बीज इलीगल फ्री बीज तो नहीं दे रहा है, एंड एनी अदर एनी इशू जो भी रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ MCC है या क्रिमिनल है, उसको जो है काफ़ी माइन्यूटली हम परख रहे हैं। इसके अलावा जैसे डी साहब ने बताया, जिस जिस कैटेगराइजेशन के पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ्स हैं, उस हिसाब से जो है डिटेल डिप्लॉयमेंट हमने निकाली थी, वो फिर से रिवाइज करके उसमें हमने खास तौर पे ध्यान रखा है कि कोई भी लोकल पुलिस वाला जो है वो उस पोलिंग बूथ पे नहीं होना चाहिए, उनकी उस तरीके से रैंडमाइजेशन करके जो है डिटेल्ड प्लान बनाया है। जहाँ जहाँ हमारे वुमेन सेंट्रिक सिर्फ वुमेन पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पर वुमेन फोर्स लगाई है प्रॉपरली। तो इन शॉर्ट बात वही आती है डी साहब की, कि फ्री एंड फेयर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस होगा, और हमारी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस की फुल 24/7 कोशिश है कि इस चीज़ में जो है कोई भी कोताही ना की जाए, और देर विल बी नो कम्प्रोमाइज विद रिगार्ड टू फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। थैंक यू सर। कितने हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मजीद हाइपर सेंसिटिव 114 है, सेंसिटिव 99 है, और नॉर्मल 65 है। ये जो है ये पास्ट पिछले इलेक्शंस में कैसा कैसा कहाँ कहाँ क्या होता था, फिर आजकल अभी करंट इलेक्शंस में कहाँ कहाँ क्या डायनेमिक्स हैं, वो सारा कुछ देख के हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी मद्देनज़र रख के जो है हमने इनको डिसाइड किया है।
सर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कुछ देर पहले, तो उनका खदशा है कि वी वी पैट को लेकर काफ़ी उनके खदशा रहे हैं, तो इस पे आपने वैसे जवाब दिया, लेकिन उसके अलावा भी उनका कहना है कि बहुत सारे जगहों पे मतलब गलत तरीके से कारकर्दगी हो सकता है, तो उस पे क्या इकदाम लेंगे? वी वी पैट का जो इशू था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि हमारा रूल्स क्या बोलता है, तो हमें एलएचडीसी के रूल के हिसाब से चलना है, बाकी जो भी टाइम टू टाइम हमारे पास कंप्लेंट आएंगे उसमें हम एक्शन लेंगे। पहले भी लिया है एमसीसी का, जहाँ पे भी वायलेशन आ रहा था तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है, तो अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो हमारे नॉलेज में लाए मेरे यहाँ एसएसपी साहब से, तो हम ज़रूर उस पर भी कार्रवाई लेंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी हमने एफएसटी जब पिछला पोलिंग आने वाला था आपने देखा कितना सर्विलेंस बढ़ा दिया था, कोई भी इलीगल मूवमेंट ना हो, पैसे का मूवमेंट ना हो या कुछ और जो भी अलाउड नहीं इलेक्शन में, वो सारा हमने उसमें काफी बहुत सारे गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर कार्रवाई इस बार आप देख रहे हैं, पहले की तरह जो यहाँ शिकायत आती थी उतना एक्टिव नहीं है, और उसमें जब भी हमने डी साहब को लिखा है इमीडिएटली इलेक्शन अथॉरिटी ने सेम डे एक्शन लिया है। तो वो सर ये जी आपने जो डिप्लॉय किया है कि मुलाजिमों को उसको थोड़ा क्लियर से बताइए सर, उनको क्या ऐसा ही उनको जैसे आप लोगों ने पहले शेड्यूल बनाया उसी हिसाब से छुट्टी करनी है या नए सिरे से शेड्यूल बनाना है? नहीं, जैसे बताया कि पोलिंग स्टाफ का जो भी है वो हम उनको टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन इशू कर देंगे, तो बट हमारा कोशिश वही रहेगा कि वही जो पुल बनाया था वही रहे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग किया है, दो बार उनका ट्रेनिंग हुआ है, उनको सारा प्रोसीजर पता है, तो मतलब पूरा आगे का प्रोसेस स्मूथ हो जाए, तो हम चाहेंगे कि वही सेम रहे, तो उसमें बारे में जो भी होगा हम टाइम टू टाइम वो डायरेक्शन इशू करेंगे। डीएम सर और एक इशू सर इलेक्शन से हट के, इन दिनों करगिल में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आवाम में ये खदशा है सर स्मार्ट मीटर लगने से बिजली का जो चार्ज है ज़्यादा लग सकता है, तो इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप उठा रहे हैं? स्मार्ट मीटर्स का आपको पता है कि वो सिर्फ लेह में या ले करगिल में नहीं लग रहा है, हर कंट्री में हर जगह लग रहा है, तो उसके बारे में जो भी देखो कोई भी सेक्टर में हो इम्प्रूवमेंट होता रहता है, होना चाहिए, जैसे पहले डिजिटल मीटर पहले वाला है, पहले मैनुअल वाला था, फिर अब स्मार्ट आ रहा है, तो स्मार्ट मीटर का अपने अपने बेनिफिट्स है कि एक्यूरेसी बढ़ रही है और जो कस्टमर है उसको भी पता चल रहा है कि कभी कंप्लेंट्स आती रहती पीडीडी से, कि पीडीडी के खिलाफ आती रहती कंप्लेंट की बिल अचानक बढ़ गया, मैंने तो इतना यूज़ नहीं किया तो लाखों में आ गया, फ्लैट रेट वो बढ़ा दिया, मैं घर पे नहीं था, मैं लॉक करके बैठा था फिर भी आ गया, तो उस सारे कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए ये डिसीजन लिया गया, वो ऑल ओवर कंट्री है, तो जो चीफ इंजीनियर पीडीडी उन्होंने भी अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे डाउट्स को क्लियर किया है और टाइम टू टाइम इसमें बताया भी कि स्मार्ट मीटर कैसे बेनिफिशियल से। सर जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है सर, जो रिटर्निंग अफसर है सर, जो भी कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भरा है सर, उनको पहले से ही जो प्रोसेस है सर सब करना है सर? हाँ, जैसे आपको पता है वो इलेक्शन नोटिफिकेशन ही क्वेश किया था, तो उसके अंडर जो भी प्रोसीजर हुआ होगा फॉलो वो लीगली वाइड हो जाएगा, तो हमने आरओ को भी डायरेक्शन दिया कि इसको नए तरीके से, और पोलिटिकल पार्टीज को भी हमने कल ही बताया था सुबह कि ये इसको नए तरीके से करना है, तो उनको सारा प्रोसीजर हमने समझाया कि आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, फिर से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारा पॉलिटिकल पार्टीज को हमने बताया था। ओके, थैंक यू। मकामी, कौमी और बैन अलावामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।